नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। अमूमन हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को टैक्स चुकाना पड़ता है, मगर जल्द ही भारत सरकार टोल टैक्स से संबंधित नियमों में बदलाव करने जा रही है। इसी बारे में नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि जहां उन्होंने कहा है कि टोल टैक्स से जुड़े हुए एक नए विधेयक लाने की योजना बनाई जा रही है। सड़क परिवहन एवं हाईवे मामले में मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि टोल टैक्स का भुगतान करने पर किसी तरीके की सजा का नियम नहीं है। इसके साथ गडकरी ने ये भी कहा आगामी दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया जाएगा। टोल पर सजा नहीं देने का प्रावधान नहीं है। टोल से जुड़े हुए एक विधेयक लाने की योजना बन रही है। अब टोल टैक्स डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, इसके लिए कोई अलग से कार्रवाई भी नहीं होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि अब टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा, ये अब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। उन्होंने कहा कि 2019 में हमने एक नियमावली बनाई कि कारें कंपनी फीड एंड नंबर प्लेट के साथ आएंगी। जो गाड़ी आए हैं उन पर विभिन्न नंबर प्लेट हैं। साल 2024 से पहले भारत में 26 ग्रीन एक्सप्रेस बन जाएंगे और सड़कों के मामले में भारत अमेरिका के बराबर पर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी है जो टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है, मगर नई व्यवस्था में उतनी ही दूरी का शुल्क दे दिया जाएगा जितनी दूरी वह तय करके आएगा। उन्होंने इस बात से मना किया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आर्थिक संकट में गुजर रहा है। गडकरी ने कहा है कि नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी की हालत एकदम ठीक है और उसके पास पैसे की किसी तरीके की कमी नहीं है। वहीं केंद्र मंत्री ने आगे बताया कि सरकार इस प्लान को लेकर पायलट प्रोजेक्ट भी चला रही है। उन्होंने ये साफ कहा है कि अब जल्द ही टोल टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ भी कानून लाने का प्राविधान भी बनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है। फिलहाल कानून में टोल प्लाजा को छोड़ देने वाले और टोल भुगतान ना करने वाले वाहन मालिकों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ऐसे वाहनों के लिए भी नया नियम ला सकती है जो नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करेंगे। इस तरह के वाहनों को तय समय के भीतर नंबर प्लेट लगाने के लिए भी कहा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।